नमस्कार। आज टीटीसी एंड एलआरडीसी द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग की श्रृंखला में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। CS 3001 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूनिट नंबर 3 का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट, स्विच भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। जिस प्रकार अपन ने इफ एल्स इफ काम में लिया था उसी प्रकार स्विच है। हम एल्स इफ जो लेडर होती है इफ एल्स इफ उसके अंदर एल्स इफ इसको रिप्लेस कर सकते हैं अपन स्विच स्टेटमेंट के जरिए। ठीक है, तो पहले एक बार इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि क्या है स्विच स्टेटमेंट। इसमें केसेस होते हैं। केस वन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स है तो हम क्या करेंगे केस टू में जाएंगे। अगर केस टू सही हो रहा है तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट हो जाएगा। केस एन कर देती हूँ, एन मतलब खूब सारे, आप जितने चाहे वो केसेस ले सकते हैं। केस एन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एन में जाएगा। ठीक है, अगर दिए गए केसेस में से कोई एक भी ट्रू नहीं है, यहाँ पे हर जगह ये सब क्या है, ये फॉल्स होगा तब यहाँ आएगा, ये फॉल्स होगा तब नीचे आएगा, ये फॉल्स होगा तब नीचे आएगा। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, एक हम देते हैं डिफॉल्ट और फिर अगर डिफॉल्ट स्टेटमेंट एंड फिनिश। ठीक है, व्हाट इज डिफॉल्ट, ये यहां पे एंड। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, जैसे अपन ने कुछ केसेस दिए गए कि केस वन सही है, केस टू सही है, केस थ्री सही है, अगर इनमें से कोई भी एक चॉइस, केस का मतलब हमें स्विच के अंदर में ना एक चॉइस देंगे, अगर वो चॉइस इन किसी भी केसेस में से मिलती है तो उसके आगे जो लिखा हुआ उस ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमने कोई ऐसी चॉइस दी है जो मेरे स्विच के अंदर की किसी भी चॉइस से मैच नहीं हो रही, तब क्या होता है, इन दैट केस हमने जो डिफॉल्ट के अंदर लिख रखा है वो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है और हमारा स्विच स्टेटमेंट खत्म हो जाता है और रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम रन करेगा। ओके, सो वी विल सी विद इन एग्जाम्पल, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसमें अपन क्या करते हैं, देखो हैश इंक्लूड, ये मैं हर बार बोलती हूँ कि आपको ये तो आना ही चाहिए, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी है ये आपको आना चाहिए। यहां तक मैं हर बार सेम ही लिखती हूँ। अगर मैं गेट सी एच या कुछ काम ले रही होती तो हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच भी हो जाता उसमें। ठीक है, अभी मैं काम नहीं ले रही, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। सो विल कम अगेन, हम अंदर जाएंगे, हमने लिया क्या, मान लीजिए मैंने इंटीजर एक्स इक्वल्स टू ले लिया वन नहीं लेती, चलो टू लेती हूँ समझाने के लिए। ठीक है, एक इंटीजर लिया है और उसमें एक्स का मान कितना डाल दिया है मैंने, टू। अब मैं स्विच केस लगाती हूँ, इसमें मैं क्या पास कर रही हूँ, एक्स का मान। ये मेरा स्विच का ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यानी स्विच स्टेटमेंट यहां से शुरू हो रहा है। केस वन, उसके बाद लगाते हैं अपन कॉलन। ये देखो सिंटेक्स है, ध्यान रखना कि इसका सिंटेक्स क्या है। स्विच स्विच के अंदर हम चॉइस लेते हैं, इधर चॉइस मैंने क्या ली है, एक्स। ठीक है, इस एक्स का मान अगर केस वन है तो मुझे क्या करना है, मतलब एक्स का मान कितना है यहाँ पे, यदि वन हो तो मुझे क्या करना है, प्रिंट एफ चॉइस इज वन। और यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट काम लिया है ब्रेक। ठीक है, स्विच में आप जब भी कोई केस डालेंगे हर केस को फिनिश किससे करना है, ब्रेक से करना है। यदि ब्रेक का काम क्या है,
ब्रेक जो ये जो शब्द मैंने यहाँ लिखा है ब्रेक स्टेटमेंट, इसका काम क्या होता है, जैसे ही ये शब्द आता है वो इस पूरे लूप से बाहर, इस पूरे जो ये स्टेटमेंट है स्विच वाला, इससे बाहर आ जाएगा। ब्रेक करना मतलब यहां से बाहर आके जो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम अगर मैंने कुछ लिख रखा है तो उस पे आ जाए। यदि मैं ये ब्रेक नहीं लिखती हूं तो क्या होता है, यहां पे भले मेरा एक्स का मान अगर 1 होता तो ये प्रिंट करता, लेकिन वो केस 2 पर भी जाता। मुझे यहाँ ब्रेक लगाना अनिवार्य है, अदरवाइज मेरा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आएगा। केस 2 में मैं क्या लिख दूं, प्रिंट एफ चॉइसेस 2, और वापस यहां पे देखो क्या लगाना है मुझे, ब्रेक। हर एक केस के बाद मुझे ब्रेक लगाना है, और फिर मैं लिखती हूं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में मैंने प्रिंट किया चॉइसेस अदर देन 1 एंड 2, ब्रेक। देखो ये मेरा स्विच स्टेटमेंट। सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने सिर्फ 2 ही केस लिखे हैं, 10 केस हो सकते हैं। अपने अपन क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके हिसाब से केस डिसाइड होंगे, ठीक है। मैंने सिर्फ अभी ये चेक किया है कि जो चॉइस एंटर की गई है वो क्या है, 1 है 2 है या अदर देन 1 और 2 है, ठीक है। अगर मैं इसका मान 1 रखती हूँ, एक्स का मान, ठीक है, तो क्या होगा, स्विच एक्स, इस एक्स का मान कितना आ गया यहाँ पे, 1 आ गया, तो केस ये क्या मैच हो रहा है इससे, ठीक है। अगर ये मैच होता है तो मेरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, प्रिंट एफ चॉइसेस 1, ये मेरा फर्स्ट केस, क्योंकि यहाँ एक्स का मान कितना है ये है, ये लिखा हुआ आ जाएगा। ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होते ही मैं इससे बाहर निकल जाऊंगी, यहाँ पे एक और ब्रैकेट बंद होगा वो मेरा मेन का होगा, ठीक है। इससे बाहर निकल गई, इसके बाहर कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, तो मेरा प्रोग्राम वही एंड हो जाएगा और आउटपुट में क्या लिखा हुआ आएगा, चॉइसेस 1, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं कि अगर मेरी चॉइस 1 नहीं है, 2 ले लेते हैं, ठीक है, एक्स का मान 2 है, तब क्या होगा, यहां एक्स कितना आया मेरे पास में, 2 आया। अंदर चले, केस 1 इसने मैच किया, क्या मेरा केस या जो जो यहां ऑप्शन आ रहा है वो 1 है क्या, नहीं है, नहीं है, तो अपन अगले केस पर आ जाएंगे, ठीक है। अगले केस पर इसने इससे वापस मैच किया कि क्या ये जो मैंने लिखा है वही इसका मान है क्या, अगर सेम मान है तो अब ये इस बार क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि यहां पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है, केस 2, तो ये क्या प्रिंट करेगा, चॉइसेस 2 ये प्रिंट करेगा। और फिर मैंने क्या लिख दिया आगे, ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक इस पूरे ब्लॉक से इसको बाहर निकाल देगा, ये ब्लॉक है, ठीक है, जिस ब्लॉक के अंदर में है वो उस ब्लॉक से बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे ब्रेक होते ही हम बाहर आ जाएंगे और हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा और आउटपुट में क्या लिखा हुआ आएगा, चॉइसेस 2। चलो अब एक और ऑप्शन देखते हैं। मैंने यहाँ चॉइस, यदि मैंने यहाँ पे 3 लिखा होता, ठीक है, सबसे पहले इसके पास जाता, 1 मैच नहीं हो रहा, फिर इस पे आता 2 मैच नहीं हो रहा, तो अब क्या, केस 3 तो मैंने लिखा ही नहीं है, तो यानी ये जो 3 है वो तो मैंने मेरे द्वारा लिखे गए किसी भी केस से मैच नहीं हो रहा है, तो अब मैं क्या करूंगी। तब मैंने आपको क्या बोला, अगर किसी से मैच नहीं होता तो अपन किसके पास आते हैं, फिर डिफॉल्ट के पास। ये जो डिफॉल्ट है वो क्या बता रहा है, देखो, प्रिंट एफ चॉइस इज अदर देन 1 और 2, यानी जो भी चॉइस मैंने डाली है वो 1 या 2 से अलग है। ये स्टेटमेंट प्रिंट करके ब्रेक करके हम बाहर आ गए, ठीक है। सो दिस इज सिंपल स्विच स्टेटमेंट। ये काम मैं इफ एल्स के द्वारा भी कर सकती थी, ठीक है, आप चाहे तो इफ एल्स के द्वारा करें, आप चाहे तो स्विच के द्वारा करें, सी में ये दोनों ही तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।